नमस्कार दोस्तों, मैं शाइना सेठ। कैसे हम दोस्तों वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश की आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त बन जाए। आज आप सोच रहे हो कहाँ पर हूँ, शूटिंग चल रही है सोए फिक्री की, तो पर आपको पता ही है भाई दिवाली आ रही है, तो मेरे को आपको कुछ जबरदस्त चीजें बतानी है ताकि ठा मामला हो जाए एकदम, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको कुछ कुछ चीजें बता देती हूँ। आवाज गूंज रही है, होप आपको है ना समझ में आ जाए। चलो अब आज के दिन, क्योंकि आज छोटी दिवाली है तो हैप्पी छोटी दिवाली भाई, है ना। तो अब आज के दिन जो आपने बहुत जरूरी चीज है जो आपने करनी है, वो पहली चीज ये है कि आपने काली माँ की आराधना करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरी मैंने जो धनतेरस के टाइम आपको मैंने बोला था कि वो यमराज जी को है ना प्रणाम आपने करना है, और जो दीपक जलाना है वो जैसे आपने कल जलाया था वैसे आज भी जलाओगे और दिवाली के दिन भी जलाओगे, है ना भाई। और है ना ये कर लिया आपने। और तीसरी चीज हनुमान जी, हनुमान चालीसा आपने जरूर पढ़ना है। तो ये हो गई छोटी दिवाली की बात। अब दूसरी चीज, दिवाली के दिन आपने क्या करना है, आपने दिवाली के दिन पे पहली बात तो आपने घर पे पोछे लगवाने। पोछे कैसे लगवाओगे, गौमूत्र से, और उसमें नमक डाल लोगे, पहली बात, ठीक है। अब दूसरी चीज आपने क्या करनी है, 11 आम के पत्ते आपने ले लेने, वो बंधन बार आपने अपने दरवाजे पे आपने टांग दिए, ठीक है। अब ये बंधन बार को क्या करोगे, अब आप जो केसर होता है, केसर, कुमकुम और हल्दी, इसका आपने तिलक कर लेना है सभी पत्तों पे, मतलब 11 पत्तों पे आपने तिलक कर देना, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, वही कुमकुम, हल्दी हो गया, अष्टगंध हो गया, और एक और चीज थी केसर, है ना, अष्टगंध केसर, ये सारी चीजें, और चावल का आटा आपने ये एक पेस्ट बना लेनी है, और अपने घर के दरवाजे पे आपने बड़ा सा ओम लिख देना है इस पेस्ट से, ठीक है। समझ आ गई, सिंपल बात है, कोई इतनी लंबी चौड़ी चीजें नहीं बता रही, और वैसे भी जो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको इतना लंबा चौड़ी चीजें नहीं बताऊंगी, जो आप कर ना पाओ वो ही बताऊंगी जो कहता है फटाक से लगेगी, आपको पता ही है भाई, ऐसे चीजें बताती हूँ कि चैलेंज मार के बोलती हूँ, जो बड़ा जबरदस्त वैसे फिरकी मार के काम करती है ना। ये आपने कर लिया। अब आपने क्या करना है, जब सूर्य अस्त हो जाए, सूर्य अस्त के 48 मिनट्स के अंदर अंदर आपने 11 दीपक जलाने हैं, और एक थाली में आपने 7 अनाज जो होते हैं वो आपने रख दिया, सिंपल है। 7 अनाज जो होता है वो आप एक थाली में रख दोगे, ये वही है जो 7 अनाज आपने अगले दिन, है ना, अगले दिन आपने दान दे दिया, ये वो चीज है। तो आप लक्ष्मी पूजन का जो समय है वो वृषभ काल, वृषभ काल में आपने लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। वो जो जितने भी समय है ना वो मैं पिन कर दूंगी, वो आप देख लेना, क्योंकि सबको कंफ्यूजन होती है, तो मैंने सोचा एक ही बार पिन कर दूं, तो वो पिन कमेंट में सारा टाइम है। तो अब आपने क्या करना है, लक्ष्मी पूजन जो होगी उसका समय वृषभ काल में है। अब आप उससे पहले क्या तैयारी करोगे, आपने 7 दीपक, घी के दीपक जला लेने हैं, आपने एक चार मुखी जो है ना दीपक जलाना, चार मुखी दीपक जलाना है आपने सरसों के तेल में, ठीक है। अब आपने ये कर लिया, एक थाली में अपना फ्रूट्स रख लो, एक थाली में अपनी मिठाई रख लो, ठीक है, एक थाली में जो खाना आप है ना जो पकवान बनाओगे वो रख लो, और आपने एक थाली जो होगी उसके अंदर जैसे मैंने बोला ये जो दिए वगैरह हैं ये आपने 7 घी के दीपक और एक चार मुखी सरसों के तेल का दीपक आपने जला लेना, ठीक है। अब आपके टाइम हो गया पूजा का, पहले आपने, सबसे पहले आपने गणपति जी की पूजा कर लेनी है, ठीक है, फिर आपने लक्ष्मी जी की पूजा कर लेनी है। आप ये चीज का ध्यान रखना, जहाँ लक्ष्मी जी है ना की मूर्ति होगी या फोटो होगी उनके साथ में विष्णु जी की फोटो या मूर्ति होनी उनके साथ साथ, उसके बाद उसकी भी पूजन करना। फिर आपने करना है श्री यंत्र की पूजा, तो ये आपने कर दिया। उसके बाद आपने ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः आप जप कर, ये आपने कर लिया। उसके बाद में जो आपका खाना वाना है ना, जितना भी जो भी चीजें आपने थाली में सजाई थी, पहले आप भगवान जी को भोग लगाओगे, फिर आपने 8 साल से छोटी कन्याओं को वो आपने खिलाना है, फिर उसके बाद आपने खाना है, फिर अपना दीपक वगैरह घर पे दीपक जलाओ, खाना खाओ, ये सारी चीजें आपने कर ली। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, जो मुद्दे की बात है कि इस दिवाली पे हमारी जितनी समस्याएं हैं उससे कैसे निजात पाए, तो आपने क्या करना है, आपने महानिषिद्ध काल में, निषिद्ध काल में आपने ये पूजा और जाप करने हैं। जो दिवाली की रात में आराधना है ना, ध्यान, जो मंत्र करेगा उसको मैं कहती हूँ कोई भी जिसके काम ना बन रहे हो उसके काम बन जाए, 100% बन जाएंगे, करके तो देखो,
ठीक है, तो आपने निश्चित काल उसका भी टाइमिंग मैंने लिख दिया है ना, उसमें अब आपने क्या करना है, आपको मैं कुछ कुछ मंत्र बता दूं। ओम रीम स, आपने ये आपने ओम रीम हंस, ओम रीम हंस, ये जो मंत्र है जिनको भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो देने वाले हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, वो ये वाला मंत्र का आपने जाप करना है, वो भी मैंने पिन कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जिनके घर में झगड़े वगैरह बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो उन्होंने क्या करना है, ओम नारायण नमो नमः का आपने जप करना है, 11 मालाएं कर लो। जितनी भी परेशानियां हैं आप, मैं कहती हूँ ऐसे फट करके कट जानी है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि होली और दिवाली ऐसा टाइम होता है कि एकदम जबरदस्त कमाल धमाल हो जाता है, मैं आपको क्या ही बताऊं, है ना। और सबसे बड़ी चीज, जिसको जिसने हर उपाय करके देख लिया, जिसने हर चीज करके देख ली, जिसका काम कुछ बन ही नहीं रहा, कहते हैं ना, क्योंकि कितने लोगों से मेरी बात होती है, वो बोलते हैं जी हमने तो सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं बनता। उन लोगों को सिंह, जो सिंह वाला टाइम है ना, सिंह जैसे वो वृषभ लगन की, ये सिंह लगन में आपने ये जाप कर लिया। इसी टाइम पे भी है ना, जो निश्चित काल में भी कर रहे हैं, सिंह लगन में भी कर रहे हैं जाप वगैरह, इसी टाइम आप जाप भी करोगे, आपने लौंग इलायची अभिमंत्रित करके भी रख लो, वो चीजें एनर्जाइज हो जाएंगी इतनी जबरदस्त वाली कि आप सोच भी नहीं सकते। ये चीजें करो आप, मैं कहती हूँ कमाल कमाल धमाल हो जाएगा, आपको इतना गारंटीड रिजल्ट आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। करके तो देखो यार, कुछ जाता है हमारा, क्या जाता है, कुछ भी नहीं जाता। आपको मैंने मंत्र बता दिए है ना, निश्चित काल में ओम श्रीम नमः का भी जप करो, लक्ष्मी जी का, ओए ओए जबरदस्त काम है ना। तो अब आपको मैंने फटाफट ये सारी चीजें बता दी है, आपको तैयारी व्यारी करनी शुरू करो, है ना। हैप्पी दिवाली, वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ माय पाशा लोग, पाशा लोगों, बस अपनी ब्लेसिंग मुझे देना है ना, मैं अपनी जान लगा दूंगी। थैंक यू अभी तक के लिए, कितना मेरे को प्यार दिया ना आपने, बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू, है ना। अब मैं लाइव भी आया करूंगी, लाइव भी आया करूंगी, उसमें जो एक एक प्रश्न है, जब मैं लाइव जाऊंगी ना तो मेरे से टैब पूछते जाओ, मैं टैरो से करती जाऊंगी, वो मैं बताऊंगी क्या करना है, टाइम वगैरह भी बताऊंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार पाशा लोग। और एकदम डट के रहना, अच्छे से दिवाली मनाओ, हो सकता है एक और वीडियो भी आ जाए, हो सकता है एक और वीडियो भी हम बनाए एकदम, अभी तो भूत बनी पड़ी हूँ क्योंकि शूटिंग चल रही थी, सुबह सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, 3-4 बजे फिर उसके बाद शूट पे आ जाते हैं, इधर ये क्लास रूम है स्कूल का, मैं ये भी पिन करूंगी है ना, इसका जो लिंक होगा मैं सबके साथ शेयर करूंगी, मेरे पाशा लोगों के साथ, ठीक है। अब मैं जाती हूँ, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चाहते हो ना मुझे देखना, आप चाहते हो मेरे से मिलना, तो चैनल सब्सक्राइब करो यार, ताकि नई नई वीडियोज आपको मिल सके और एकदम जिंदगी ठा हो जाए। अभी तो मैंने आपको कमेंट दिखाने हैं, इतनी लोगों की जिंदगी ठा हो जा रही है दिन पर दिन, दिन पर दिन। और ज्योति जगाओ अभियान, जो पूजा पाठ के जंगल में फंस चुके हैं, है ना, अपना पैसा बर्बाद कर चुके हैं, वो अपना कमेंट करो कि कैसे कैसे लोगों ने बेवकूफ बनाया उनको, ताकि और लोगों के, कहते हैं ना, दिमाग खुले और वो अपना पैसा बर्बाद ना करें। और जिंदगी ठा बनाओ अभियान, आपको पता ही है कि क्या है, उसकी भी वीडियोस बना के भेजो, जैसे ही ये शूट खत्म हो जाएगी तो मैंने बिल्कुल 100% है ना सबका अपना गाइडेंस करना, पक्की बात होगी, ठीक है। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।